वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे हाथरस की घटना के लिए। जी, हाथरस में कितने हाथों का रस। लगातार ये मामला अलग ही दिशा में जा रहा है। हाथरस की घटना के कई सबक हमारे लिए हैं। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ऐसी परिस्थितियों में देश में जातीय संप्रदाय के नाम पर समाज को तोड़ने वाली शक्तियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देना चाहिए। लोगों ने अपने स्तर पर ये संयम दिखाया भी है, वरना जिस तरह अलग अलग स्तरों पर जातीय दंगे भड़काने की साजिशों का पर्दा फाश लगातार हो रहा है, उसमें कई तरह के डर उभरे हैं। जिस तरह मथुरा से हाथरस जाते चार लोगों में हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य और सामग्री मिली है, उससे अपने आप में पता चलता है कि हमारे सामने किस तरह के खतरे हैं। सियासी दलों को भी ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी होगी। देश के सामने ऐसी परिस्थितियां सामान्य नहीं कही जा सकती जब हाथरस जैसी घटनाओं की आड़ में समाज को आग में झोंकने की कोशिश की जाए, और ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक संदेश भी है। समाज में लोगों को सोचना चाहिए कि घटना हुई है, ये जरूर है कि अगर ऐसी कोई भी घटना कहीं भी होती है तो उसके लिए कड़े से कड़े प्रावधान होने चाहिए, उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो राजनीति है उसको भी ये सोचना चाहिए कि वो किस मुद्दे पर हो रही है, और ये सबसे अहम बात है, चाहे वो मीडिया की बात हो और चाहे वो राजनेताओं की बात हो। इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। हाथरस की घटना देश को जितना चौंका रही है उतना ही सचेत रहने के लिए आगाह कर रही है। हाथरस की घटना के बाद रातों रात बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस शकों के घेरे में है। अगर ये बात सच है कि वेबसाइट को हिंसक प्रदर्शन के लिए फंडिंग हुई है तो समझ लीजिए कि देश को तोड़ने के लिए किस स्तर पर साजिशें हो रही हैं। कुछ फर्जी बयान भी माहौल बिगाड़ने के लिए दिखाए गए हैं। इधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया NEE PFI की सक्रियता ने एहसास करा दिया है कि ऐसी ताकतें किस तरह इस देश को तोड़ने, हिंसा फैलाने, लोगों को आपस में बांटने के लिए कोशिशों में लगी है। देश में सियासत करने वालों ने इस घटना पर भी सियासी रोटियां सेकी, लेकिन जिस तरह PFI के चार कार्यकर्ता मथुरा में भड़काऊ लेखन और संदिग्ध सामग्री के साथ पकड़े गए वो बेहद डरावना पक्ष है। ये चारों कार्यकर्ता उसी हाथरस की ओर जा रहे थे जो इन दिनों चर्चा में है। मथुरा पुलिस की सावधानी है कि उसने PFI और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े जिन चार लोगों को पकड़ा। घटना पर देश के लोगों का चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन इस घटना के साथ साथ जिस तरह के पहलू सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए समाज को बहुत सावधान होने की जरूरत है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाथरस पर सियासत खेली गई है, और ऐसी सियासत खेले जाने का ये पहला अवसर नहीं था। भारत की सियासत मानो ऐसी घटनाओं की ताक में रहती है कि इससे एक दूसरे पर सवाल खड़े करने का मौका ना छोड़ा जाए। लेकिन जो दूसरा पहलू बेहद खतरनाक है वो यही है कि किस तरह देश को तोड़ने वाली शक्तियां ऐसे घटनाओं के आड़ में अपना जाल बुनती हैं। कितना खतरनाक होता अगर ये PFI के चारों कार्यकर्ता हाथरस पहुंचकर इस सामग्री को उन मासूम लोगों के हाथ में देकर उन्हें लड़ने मरने के लिए उकसा देते। और ये एकाएक नहीं था, इस तरह की करतूत योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा होती हैं। वो हमेशा अवसर की तलाश में रहती हैं। देश में जातीय हिंसा फैलाने, जातियों में आपस में नफरत फैलाने के लिए ऐसी शक्तियां काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने बयान में इस बात को स्पष्ट कहा है कि राज्य में जातीय सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है और सोशल मीडिया का भी गलत उपयोग हो रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घटना पर CBI जांच की मांग की है। हाथरस में जिस तरह घटना हुई उसके तह में जाना जरूरी है, और चाहे कोई भी हो अपराधियों को दंड दिलाना जरूरी है, लेकिन इसकी पड़ताल के साथ साथ उन हाथों तक भी पहुंचना जरूरी है जो देश को अपनी साजिशों से खत्म करना चाहते हैं। देश को संभलने और सचेत रहने की बहुत जरूरत है। सियासत करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को भी सतर्क होना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और आज हमारे साथ इसी पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विभूति नारायण राय जी हैं, पूर्व DGP हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सूर्या कुमार शुक्ला जी है, आप भी पूर्व DG हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सूर्या कुमार जी आपके पास आना चाहूँगा कि जब बात करते हैं पुलिस की तो बहुत सारे लोगों को अगर पुलिस किसी घटना में दोषी लगने लगे
तो बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि चलिए अब तो हाथ हम भी जरा साफ कर लें, क्योंकि बड़ा उनको ऐसा लगता है एक मुद्दा मिल जाता है, लेकिन वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि जो चीज़ ये कर रहे हैं आखिर उसका असर कितना होगा। आप देखें हाथरस की घटना में जिस तरह के नए नए मोड़ आ रहे हैं, वो अपने आप में एकदम से आप देखें एकदम शॉकिंग है। और सूर्या कुमार जी, लगातार लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिशें भी हैं और इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो रहा है। ये अलग बात है कि घटना कोई भी हो, ऐसी घटनाओं की जगह ना हमारे समाज में है ना हमारे देश में है, क्योंकि बेटी सबकी है। और जातिगत रंग देना कहाँ का, मैं कहूँगा कौन सी राजनीति ऐसी है जो ये सिखाती है कि इस तरह की घटनाओं को भी आप जाति से जोड़ दें, और जो बाहरी ताकतें हैं फिर वो इन्हीं चीजों को सामने लाकर एक नए तरीके के दंगे भड़काने की साजिशें करें। जी सूर्या कुमार जी। सर जी, मैं भाई साहब दोनों बात आपको कहना चाहूंगा कि जातिगत रंग देना तो खराब बात है ही, कि पीड़ित इस जाति का है और पीड़िता इस जाति की है और मुलजिम इस जाति के हैं, इसलिए इसका ये अर्थ हुआ, और उसमें अपनी अपनी जाति का पक्ष लेने लगना और समाज की एकता को तोड़ने का प्रयास करना। और साथ ही एक और बात कहूंगा कि यहां पर ये घटना हुई तो इस पार्टी वाले उछलने लगे, वहां पर वो घटना हुई तो दूसरी पार्टी वाले उछलने लगे। यानी कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं न होती हो, तो इसका राजनैतिक रंग देना बिल्कुल गलत बात है, यह अपराध है, शुद्ध अपराध है। तो अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए। और साथ ही सभी राजनैतिक दलों से मैं निवेदन करता हूं कि मिल बैठ करके ये रास्ता निकालें कि ऐसा कानून बनाओ कि 3 माह के अंदर फास्ट ट्रैक और कोर्ट लगाकर इन अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिल जाए, जो वास्तव में जिस तरह के दोषी हो। लेकिन उसके बजाय अगर राजस्थान में हो, यूपी में हो, तो उसमें इस पार्टी उस पार्टी के लोग अलग अलग अपना शोर मचाने लगे, ये वाजिब बात नहीं है। और साथ ही ये भी इस मौके बता देना चाहता हूं कि देश विरोधी तमाम एजेंसियां जो विदेशी फंडिंग के और विदेशी लोगों के इशारे पर चल रही हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश करती रहती है कैसे हिंदुस्तानी समाज को तोड़ा जाए, कैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाएं, कैसे लोगों में भेद डाला जाए, कैसे जातीय संघर्ष कराए जाएं। और ऊपर से देखने में वो बड़ा सामाजिक काम करते हैं, लगता है बड़ा समाज का हित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो देश को कमजोर करने के लिए लगे रहते हैं। इनके लिए हमारे यहाँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA प्रयास करती है कि ऐसी बातों का पता लगाया जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको IB कहते हैं वो पता लगाती है, और विदेशों से जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा काम करती है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो काम करता ही है जो प्रदेश स्तर पर है, और जिला स्तर पर LIU लगाई जाती है कि धारा 124 IPC इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जो देशद्रोह की देश विरोधी घटनाएं करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे बेनकाब करके दंडित कराया जाए, इस काम के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। जैसे अमेरिका ने एक मॉडल निकाला टेरर का, टेरर कंट्रोल। बिल्कुल सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपने एक बड़े अहम मैं कहूंगा विषय रखा है कि सबको एकजुट होना चाहिए जब इस तरीके की बातें सामने भी आ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बार जब ये चीजें हो जाती हैं तब तब बहुत सारे नेता मुंह छुपाते दिखते हैं, लेकिन उनके खिलाफ फिर कुछ कार्रवाइयां नहीं होती। हमारे साथ पूर्व DGP भी हैं विभूति नारायण राय जी, आपसे भी जानेंगे कि जिस तरह, अगर विभूति जी आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे अपराध आपने देखे हैं, आप देखिए कि जिस तरह हाथरस की एक घटना हुई उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बनाया गया और बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उसमें कूद गई। ये अलग बात है कि अगर कोई घटना हुई है विपक्ष का काम है उसे उठाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी तो काम है कि उस राजनीति जो वो घटना है उसके अंदर उसके पीछे की राजनीति देखने का कार्य भी तो उसी का है ना, उसका ही ये काम है कि वो उसे जातिगत रंग देने की कोशिश ना हो, ऐसे भी प्रयास वही करें। और उसके अलावा अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि वहां पर PFI, मतलब आजकल क्या हुआ विभूति जी, आप देखेंगे बहुत सारी जगह जस्टिस फॉर इतना बड़ा बड़ा लिखकर वेबसाइट भी बन जाती है, फंड भी आना शुरू हो जाता है, ये भी एक नई परंपरा चली है।
और लगातार चलते आ रही हैं। लेकिन ये जस्टिस फॉर तब नहीं बनता विभूति जी जब घटनाएं रोकने के लिए कहें कि भाई देश में जो सामाजिक मानसिकता है, जो ऐसी विकृति के लोग हैं, उनके लिए भी कोई जस्टिस फॉर बने कि इन लोगों को कैसे इस चीज से रोका जाए, तब कुछ नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां अपनी शुरुआत कर देती हैं और उसके बाद आपके सामने अब इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं, और अगर इसमें वास्तविकता है तो दोषी तो वो लोग भी हैं जो इन लोगों को इस तरीके का रास्ता मुहैया कराते हैं। जी विभूति नारायण जी, देखिए हाथरस में जो कुछ हुआ और उसे जिस तरह से हैंडल किया गया, मेरा अपना मानना है कि वो बहुत ही असंवेदनशील और नॉन प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, उसके साथ जाहिर है शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ, वो मर गई। पहले जो आम तौर से जो होता है और वो अभी सरकार में भी चल रहा है कि थानों पे सबसे पहले तो FIR नहीं लिखी जाएगी, या FIR उस तरह नहीं लिखी जाएगी जिस तरह कोई पीड़ित आपके पास आके कह रहा है। तो एक तो वो हुआ, उसके बाद उसको अस्पताल में भी जिस तरह का उसका इलाज हुआ वो आप जानते हैं कि परिवार संतुष्ट नहीं है। फिर रात में लाके कुछ छिपाना नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, आप सब ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो रात में 2:30-3 बजे ला करके उसे जला दीजिए, फिर चारों तरफ गांव को घेर के छावनी बना दीजिए, वहाँ किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर को जाने ना दीजिए, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या कोई विमेन राइट एक्टिविस्ट। तो इससे संदेह पैदा होते, देखिए इससे शक पैदा होता है। और जातियाँ तो भारतीय समाज का एक सामाजिक यथार्थ है, जातियाँ तो हैं, क्योंकि इस लड़की के साथ अत्याचार भी इसलिए हुआ था कि ये दलित जाति की थी और जिन्होंने अत्याचार किया वो अपर कास्ट के थे, उस जाति का नाम लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। और दुर्भाग्य ये, देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले, ये इसी मुख्यमंत्री की दिक्कत नहीं है, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अपने जाति के लोगों को अपॉइंट करते थे, ये मुख्यमंत्री एक दूसरी जाति के लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो इससे देखिए जाति को आप नकार नहीं सकते। अब ये आप मुझे अगर नहीं सुनना चाहते तो मुझे क्यों बुलाया आपने, मत सुनिए। नहीं आप मुझे सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी विभूति नारायण जी, शौक नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं जी। नहीं, लेकिन बीच बीच में आप सेंसर कर रहे हैं, तो कड़वा यथार्थ भी सुनना चाहिए। देखिए ये एक गलत बात है, और जिस तरह से अभी 2 दिन से ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसमें यहाँ से पैसा आ गया, वहाँ से पैसा आ गया, ये आप जो असली चीज है उसको क्यों नहीं हिट कर रहे हैं? क्यों उस लड़की के साथ ज्यादती हुई? इसलिए कि वो दलित जाति की थी, ये तो स्पष्ट है ना। क्यों उस मामले को छिपाया गया, क्यों उसे रातों रात जला दिया गया, क्यों चारों तरफ से बैरिकेड करके वहाँ किसी को आने नहीं दिया गया? तो ये आप लाख कहते रहे, किसी को विश्वास नहीं होगा। हमें ईमानदारी के साथ बैठ करके और इसको पहले तो ये तय करना चाहिए कि थानों पर सही रिपोर्ट लिखी जाए, पुलिस एक कानून की एजेंसी के तौर पर काम करे। अब ये कहा जा रहा है कि साहब उसमें वीर नहीं मिला तो इसलिए बलात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब जो 375 है IPC का उसी को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। और उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में, उसने तो स्कोप को और वाइडन कर दिया है। तो ये तो देखिए, अब एक झूठ छिपाने के लिए आप 20 झूठ बोलते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो गई, कोई मानता नहीं। आपने सवाल उठाए लेकिन एक बात हम आपसे जरूर जाननी चाहेंगे कि जो बात है, जी विभूति नारायण जी आपकी एक बात, बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए हैं और सवाल खड़े करने भी चाहिए। आप तो पूर्व DGP हैं, पुलिस के ऊपर बहुत सारी चीजें, प्रशासनिक चूक की बात भी हो रही है और ये अच्छी बात है कि कोई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें विभूति नारायण जी कि लगातार एक बात भी सामने आ रही है कि जिस तरह इस पूरे प्रकरण पर राजनीति हुई है वो क्या सही है? दूसरी बात, जब आप नार्को टेस्ट की बात करते हैं तो आप उस पर भी सवाल खड़े करते हैं, CBI की बात होती है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं, SIT की बात होती है उस पर भी सवाल खड़े हैं, तो कितने सारे सवाल हैं, आखिर समाधान क्या है? हर चीज को नकार देना, ये सिस्टम में आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ी खामी है? क्योंकि क्या सारे पुलिसकर्मी, मैं कहूंगा, बेईमान है? अरे जब कोई भी चीज हुई है आपको कहीं तो विश्वास करना होगा। SIT सही नहीं है, उसके अलावा CBI सही नहीं है, नार्को होगा सही नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट ने अपने आप उसका संज्ञान लिया वो भी सही नहीं है, तो फिर सही क्या है विभूति जी? जी देखिए आपने बहुत अच्छी चीजें पूछी हैं,
क्योंकि मुझे तो नार्को पर भी विश्वास है, मुझे SIT पर भी विश्वास है, मुझे CBI पर भी विश्वास है। अगर ये पीड़ित पक्ष इस पर विश्वास नहीं कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं। इसलिए कि पहले दिन से उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जिस दिन वो थाने गए हैं, जब अस्पताल गए हैं, जब उनकी बच्ची मर गई और वो डेड बॉडी ला के जला दी गई है, ये हरकत। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तो 20 इस तरह के वो आ गए जिसमें वो झूठ बोल रहे हैं और उनका परिवार कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, पीड़ित का परिवार कह रहा है। तो हमने तो विश्वास शुरू में खो दिया ना। ये तो बहुत अच्छी बातें हुई हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब CBI को दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। नार्को टेस्ट होगा, अगर ये पीड़ित पक्ष के लोग, पीड़ित के परिवार के लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं होंगे तो कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये उनके खिलाफ जाएगा। CBI का इन्वेस्टिगेशन अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे उनके खिलाफ जाएगा। तो लेकिन हमने शुरू से ही ऐसी चीज़ें की जिससे उनका विश्वास ख़त्म हो गया हमारे ऊपर, तो हमें उस विश्वास को वापस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो दो दिन से सेलेक्टिव लीक्स किए जा रहे हैं कि इसमें विदेशों से लोग आ रहे हैं, इसमें आपने दो मोबाइल पकड़ लिए और आप कह रहे हैं बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र आपने पर्दाफाश कर दिया, ये सब नहीं कह रहे थे कि इससे देश भट रहा है। जिस तरह आज दिखाए गए लोगों की दाढ़ी वाले और ऊंचे पैंचे वाले लोग दिखाए जा रहे हैं, इससे देश भट रहा है। आप जातियों में और धर्मों में देश को मत बांटिए, एक निष्पक्ष रूप से आप काम करेंगे तो लोग आपका विश्वास करेंगे। अभी लोग आपका विश्वास नहीं कर रहे। लगातार इसी तरीके की परंपरा डाली जा रही है हर तरफ से। आप बताइए विभूति नारायण जी, बहुत सारी चीजें सामने हैं। सूर्य कुमार जी, अगर हम बात करें खाली हाथरस की घटना पे ही बवाल क्यों, बलरामपुर में बवाल क्यों नहीं, और देश में और भी बहुत सारी जगह रेप हो रहे हैं, खाली उत्तर प्रदेश ही क्यों? तो जब समानता की बात होनी चाहिए तो सब जगह होनी चाहिए। सूर्य कुमार जी, क्योंकि लगातार इस बात पे बात हो रही है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो मैं कहूंगा चाहे कोई पुलिसकर्मी है और चाहे देश और सूबे का मुखिया है, कोई नहीं चाहता किसी की बेटी के साथ इस तरीके की हरकत हो, और ये एक आम सिपाही भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की घटनाएं हो, लेकिन होती है। क्या कभी कोशिश की गई है? इतने वर्ष हो गए, कहां ले जा रहे हैं हम समाज को? क्या कभी राजनेताओं ने इस पर बैठ के विचार विमर्श किया है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और बहुत सारी बातें बहुत सारी होती रही हैं सूर्य कुमार जी, लेकिन जब राजनीति चमकाने की बात आती है तो जातिगत रंग दो और सब जने वहां पहुंच जाओ, तो फिर दूसरी जगह जो बेटियां हैं वो क्या हैं? तो ये भी तो अपने आप में सवाल है, इसे कौन कौन लाएगा इसका समाधान? सूर्य कुमार जी, मैं यही कहूंगा कि देश की जनता को भी ये बात सबको समझना चाहिए और राजनीतिक सभी दलों से जनता की यही उम्मीद है कि आपस में तुम्हारी सरकार अगर एक प्रदेश में है, दूसरी पार्टी की सरकार दूसरे प्रदेश में है, तो बजाय इस प्रकार से लड़ने लगने के तुम लोग दोनों लोग तीनों लोग जितनी पार्टियां हैं सब लोग मिल बैठकर ये विचार करो कि ये कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि जब हमारा शासन था तो इस प्रकार की बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई है। इसलिए किसी को इस प्रकार का हक नहीं बनता। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सब लोग बैठ करके अपराधी को निश्चित दंड और त्वरित दंड देने का इंतजाम कर दीजिए। इसकी जवाबदेही जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल अभी तक पास नहीं हो पाया, ये व्यवस्था करिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने अपराधियों को चिन्हित करके जो भी इसके लिए हमें बजट पास करना पड़े, खर्च करना पड़े, अतिरिक्त अदालत बनानी पड़े, न्याय पंचायतें फिर से पुनर्जीवित करनी पड़े या मोबाइल कोर्ट बनानी पड़े कि जैसे ही कोई विवाद हो वैसे ही ये मामला न्याय का कर दिया जाए। अब उसके कारण छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप ले लेते हैं, दुश्मनी किसी और बात की होती, जमीन की और उस पर बहन बेटियों की इज्जत लूटने का और बदला लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और सबकी ये एक आम राय देश में बननी चाहिए कि इसमें अदालत को जल्दी से जल्दी दंड देकर, और वो भी इसी समाज के दिग्भ्रमित लोग हैं इसलिए अपराधियों के सुधार के लिए कारागार सुधार प्रशासन उसको काउंसलिंग करके इलाज करा के ऐसे सब अपराधियों को चिन्हित करके जो छेड़खानी करते हैं उनको पकड़कर ठीक करावे और ठीक करा के तब वापस समाज में भेजे जाए। तो इससे एक पक्का इंतजाम हो, एक भी बलात्कार की घटना न हो। इसके लिए छेड़खानी एकाएक नहीं बलात्कार होता, पहले छेड़खानियां होती हैं, फिर महीनों जब सिलसिला चलता है तब बलात्कार होता है।
तो ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित करके उनको सुधारने की जिम्मेदारी जेल प्रशासन को पूरी तरह दे दी जाए। किसी को भी जो इस तरह की शिकायत है, लाओ उसको ठीक करो, जब ये गारंटी हो जाए कि ये समाज में रहने लायक है। और दूसरी तरफ जिस तरह सोशल मीडिया में बलात्कार की, हिंसा की खबरें छपती हैं, और जिस तरह से वेब सीरीज चल रही है, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल चल रहे हैं, इन पर सब पर सबको तैयार होना पड़ेगा कि ऐसी चीजें ना परोसी जाए हमारी नई पीढ़ी को, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। और साथ ही ये भी कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, अंत में ये सारे अपराधी भाग के वहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे अगर लंबित हैं अपील में, जिनके कारण फांसी नहीं हो पा रही, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, तो उनको भी शामिल करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब ऑनरेबल जजेस भी उसमें बैठे, और एक सर्व बुद्धिजीवियों की और देश के शासकों प्रशासकों सबकी मीटिंग हो कि हम अपने अपराधियों को त्वरित दंड, निश्चित दंड अवश्य देंगे, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। जी बिल्कुल, दंड तो मिलना भी चाहिए, लेकिन हर बार मिलता भी है। विभूति नारायण जी, एक बात बहुत ही अहम है, क्योंकि आप पुलिस के डीजीपी भी रहे हैं, सबसे ज्यादा जो सवाल के घेरे और जो क्वेश्चन मार्क लगते हैं वो पुलिस के ऊपर ही लगते हैं। आखिर कब तक पुलिस भी ये सब सहती रहे? तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं कि अब तो पुलिस रिफॉर्म की जो बात हो रही है, वास्तव में कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें, अगर हम कहें दंगे की बात हो, राजनेताओं की सुरक्षा में चूक की बात हो, या कोई भी एक ऐसी घटना हो, तो जो प्रथम दृष्टिया में, जिससे कहते हैं ना कि एफआईआर, तो एफआईआर में पुलिस का नाम सबसे सामने आता है। सबसे पहले एफआईआर में एक नाम होता है पुलिस, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्या सारी गलतियां वास्तव में पुलिस की, और पुलिस को रिफॉर्म करने में क्या होना चाहिए जिससे इस तरीके की घटनाओं में जो बातें सामने आती है, देखिए यहां पर भी प्रशासनिक चूक की बात आप खुद कह रहे हैं कि प्रशासनिक चूक हुई और रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। तो क्या वास्तव में पूरे जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब केवल इसी तरीके की व्यवस्था को देखते हैं कि नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी, नहीं इस तरीके की घटनाएं होती रहें? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पुलिस रिफॉर्म में क्या होना चाहिए जिससे इस तरीके की बातें ना सामने आए, और जो खाकी है वो खाकी वास्तव में लोगों को ये एहसास दिलाए कि आप हमारे साय में सुरक्षित हैं। जी देखिए, सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छी बातें कही। अगर हम कानून में सिर्फ इतना सुनिश्चित करा सकें कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे दंड मिलेगा, त्वरित दंड मिलेगा और पर्याप्त दंड मिलेगा, तो इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पुलिस सुधार के लिए भी तमाम कमीशंस और कमिटीज और उनके रिकमेंडेशंस पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पड़े हुए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा तो उनका पालन कराना चाहिए। पुलिस में तो व्यापक सुधारों की ज़रूरत है। ये 1860-61 के आसपास जो तंत्र बना है वो अभी तक जो का त्यों चल रहा है, तो उसे एक स्वतंत्र भारत की आशाओं और आकांक्षाओं और अभिलाषाओं के अनुरूप बनाना चाहिए। पुलिस को जनता का मित्र बन के आना चाहिए, इस तरह के प्रयास हमें होने चाहिए। वो दुर्भाग्य से जो भी सत्ता में आ रहा है, किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो पुलिस तो अपने पुराने ढर्रे पर चली जा रही है। इसीलिए जब भी कुछ होता है, यहाँ भी जो कुछ हुआ हाथरस, सारा ठीकरा पुलिस के ऊपर टूटा, तो मुझे लगता है कि पुलिस में तो व्यापक सुधारों की ज़रूरत है। और दुर्भाग्य से कोई भी राजनीतिक दल जो 1947 के बाद सत्ता में आया है, किसी ने बड़ी गंभीरता से इसमें काम नहीं किया, तो अब समय आ गया कि उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जी समय आ गया, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। विभूति जी, क्योंकि समय कम है, अंतिम सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि अगर इस तरीके की, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी घटना हो, घटना कहीं पे भी हो, क्या उस घटना को राजनीतिक एंगल से देखना और जातिगत रंग देना, और उसके अलावा इस तरीके के जो लोग हैं, जिस तरह आप भी उस पर खैर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन हम फिर ये कहेंगे, क्या वास्तव में, अगर वास्तव में ऐसा ही है तो कितना खतरनाक है देश के लिए? विभूति नारायण जी, देखो तो बहुत खतरनाक है। आपने सवाल भी बलरामपुर का पूछा, लेकिन बलरामपुर में तो जो पीड़ित है उनको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो अपराधी थे वो दूसरे धर्म के थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई, यहाँ क्यों नहीं हुई? ये सवाल अगर घुमा के आप पूछें तो इस तरह भी पूछ सकते हैं
कि हाथरस में क्यों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कैसे ऐसा हुआ कि आपने पीड़ित परिवार से तो किसी को मिलने नहीं दिया, पूरा गांव घेर के रख दिया, और जिन्होंने सारे अपराध किए थे और जो हमलावर और आक्रामक जातियां थी वो अपनी जाति पंचायतें कर रही हैं। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमको जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कानून सबके लिए बराबर है इस पे काम करना चाहिए। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके ऊपर भी आप सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। जी विभूति नारायण जी, ये मैंने नहीं सवाल खड़ा किया, ये जो 375 है ये हमारे सूर्यकांत जी डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, ये अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं, मेरे कलीग रहे हैं, आप इन्हीं से पूछे कि 375 सीआरपीसी में सीमन की उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है, ये अपराध बिना सीमन के मिले भी हो सकता था, तो हम ये सवाल क्यों उठा रहे थे कि साहब सीमन नहीं मिला इसलिए वो अब बलात्कार हुआ ही नहीं, ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसी बात है ना। एक लड़की की जान चली गई और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ इतना ही हुआ इतना नहीं हुआ इसलिए अब हम इसे बलात्कार नहीं मानेंगे, तो ये तो गलत बात थी। जान और अब तो जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 प्रशासनिक चूक भी हुई है उसको हर कोई मान रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी उसके अंदर जो जिस तरीके के संदेह तो और भी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें छन छन कर आ रही हैं, और क्योंकि समय बहुत ही कम है। चलिए सूर्य कुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। जी उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाई साहब ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस हाथरस की घटना के बारे में वहां के अधिकारियों से पुलिस अधिकारियों से बातचीत की कि क्या आपकी मजबूरी थी कि रात में आपको लात चलानी पड़ी, मीडिया को रोकना पड़ा, तो सबका यही एक स्वर से कहना था कि हमें कोई इसमें फायदा तो मिल नहीं रहा था, हमें इसमें कोई नाजायज कमाई तो हो नहीं रही थी, हमें इसमें कोई लालच तो था नहीं, केवल एक कारण था कि कल दंगा भड़क न जाए, बढ़ न जाए, पब्लिक में बवाल न हो जाए, केवल इस एहतियात के लिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे, ये उनका कहना है। लेकिन पब्लिक को ये बात जानना चाहिए कि पुलिस ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, और साथ ही ये भी निवेदन करूंगा कि अब जब एसआईटी की जांच आदेशित हो ही गई है तो उसमें जो वाजिब होगा, जो सही बात निकलेगी, जिसकी जो गलती निकलेगी उस पर दंड की कार्रवाई हुई है और आगे भी उम्मीद होगी, तो ये इसमें कोई हम लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट हो गई है, वहां भी ये मामला टेकअप हो गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। सीबीआई के लिए संस्तुति राज्य सरकार ने कर दी है, सीबीआई भी देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो जांच वो करेंगे उसको भी हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि कोई कारण नहीं है कि हम विश्वास ना करें। और जहां तक पुलिस की बात है तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हो जो 100% पुलिस निष्पक्षता से काम करे तो आपने अपने ढांचे में तो ये व्यवस्था कर रखी है कि जो पार्टी सरकार में होगी उसके अंदर में शासन में पुलिस काम करेगी, तो फिर बाद में यह प्रश्न उठाना कहां तक वाजिब है कि अरे शासन के इशारे पर हो रहा, भाई शासन का जो इशारा होगा तो उसके अंदर में पुलिस तो है ही, इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए अगर आप 100% चाहते हो कि पुलिस न्यूट्रल हो, निष्पक्ष हो, तो उसको कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि सर्वदलीय कोई कमेटी हो उसके अंदर में पुलिस को कर दो, और आगे के लिए हर जिले में पुलिस की कंप्लेंट अथॉरिटी बना दो, जो पुलिस सुधार आयोग ने कहा है कि पुलिस कोई गलती करे तो समय से पुलिस को दंड मिल जाए, लेकिन पूरे पुलिस पर हाय तोबा मचाना, हल्ला मचाना, बुरा बताना वो वाजिब नहीं है, जो गलती करे उसको दंड दीजिए, बिल्कुल ये बात वाजिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने जो एक वर्जन है वो यहाँ रखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने बयान में इस बात को स्पष्ट कहा है कि राज्य में जातीय सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है और सोशल मीडिया का भी गलत उपयोग हो रहा है, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घटना पर सीबीआई जांच की मांग की है, हाथरस में जिस तरह की घटना है उसकी तह में जाना जरूरी है और चाहे कोई भी हो अपराधियों को दंड मिलना ही जरूरी है, लेकिन इसकी पड़ताल के साथ साथ उन हाथों तक भी पहुंचना जरूरी है जो देश को अपनी साजिशों से खत्म करना चाहते हैं। देश को संभलने और सचेत रहने की बहुत जरूरत है, सियासत करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को भी सतर्क होना चाहिए और उन्हें होना ही पड़ेगा। और हम फिर
अपने स्तर से एक ही बात कहेंगे कि दोषी कोई भी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।